नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। पंचकुला में जेजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता सेक्टर 20 के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन व भव्य रोड शो के लिए इकट्ठे हुए। भारी संख्या में युवक नौजवान मोटरसाइकिल व गाड़ियों में मौजूद थे। कार्यकर्ताओं की कर्मठ फौज लेकर सुशील गर्ग रोड शो के लिए चले और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गाड़ियों में कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे शहर में भव्य रोड शो का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न सेक्टर्स और गांवों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे पंचकुला से कार्यकर्ताओं की उमड़ी भारी फौज में रोड शो में अलग ही जोश था। सुशील गर्ग ने ट्रैक्टर पर बैठकर रोड शो में हिस्सा लिया व ट्रैक्टर को हर वर्ग की आमदनी का जरिया बताया। सुशील गर्ग ने ट्रैक्टर को बदलाव व प्रगति का हिस्सा बताया। ये किसान और व्यापारी की खुशहाली का प्रतीक है। रोड शो के आयोजन में मुख्य रूप से सहयोग किया कार्यालय सचिव रणधीर सिंह, जेजेपी जिलाध्यक्ष ओपी सिहाग, प्रदेश खचाची हरबंस सिंगला, हलका प्रभारी केसी भारद्वाज, पार्षद राजेश निषाद, पार्षद अरविंद जाखड़, हलका अध्यक्ष दीपक चौधरी, जिला प्रवक्ता सुरेश पाठक उपस्थित रहे। यहाँ की है कि यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन धरातल पर देख रेख ढंग से नहीं हो पाती। वो देखते नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए का इस इलाके में काम करा दिया, लेकिन जैसा कि अभी अग्रह साहब ने बताया धरातल पर दिखता नहीं है। आज इस जो शहर पंचकुला है, जो 2004-05 में इस ट्राई सिटी में चंडीगढ़ के बाद सबसे ब्यूटीफुल शहर था सारे हरियाणा में और सारे नॉर्थ इंडिया में, और मोहाली हमारे से बहुत पीछे था। और पिछले 20 सालों में धीरे धीरे कांग्रेस का राज रहा हो चाहे तो 10 साल इन्हें बीजेपी का रहा हो, अब करते करते दोयम दर्जे का शहर बन के रह गया है। और दोयम दर्जे का शहर का मतलब है कि हर चीज़ अव्यवस्थित हो गई है। कोई चीज़ देख लो आप, कहीं को ढंग का कुछ नहीं था। आवारा पशु, सफाई का बेहाल, कहीं गंदगी, कहीं कांग्रेस घास, कहीं एक वो नशे वाली बुट्टी होती है क्या बोलते हैं उसको, भांग, कहीं देख लो सारे जगह अव्यवस्था है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, कहीं कोई आम आदमी खुश नहीं है। किसी का चेहरा देखो शहर में जाके, सब मुरझाए हुए हैं। कहीं जिस तरह थोड़ी बारिश हुई तो बुरा हो जाता है। सेक्टर 19 में और कई सेक्टरों में बड़ा बुरा हुआ, तो ये टोटली जो है फेल्योर गवर्नमेंट साबित हुई है। और नगर निगम जिसका मेयर है उसको बड़ा बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया था, हम भी शामिल थे बनाने में, लेकिन बिल्कुल जीरो साबित हुए हैं। और आज जो हालात हैं वो बदलने पड़ेंगे, और उसके लिए सबसे बढ़िया को टीम होगी वो जजपा की, यहाँ जो टीम मौजूदा टीम है वो होगी। और जननायक जनता पार्टी ने जैसे सुशील गर्ग जी को, जो पार्षद हमेशा मुद्दे उठाते हैं शहर के, इनको हमने पार्टी ने नुमाइंदा बनाया है, चुनाव लड़ रहे हैं। और बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही लंबी जो इनकी राजनीति है सुशील गर्ग जी की, वो देखते हुए, और सुशील गर्ग जी ने जो 5 साल यहाँ पे 4 साल नगर निगम में काम किया, जो मुद्दे उठाए हैं, एक एमसी सत्ता के साथ रहे हैं, उसके बाद भी वो जो भी सत्ता काम करती रही उसके खिलाफ भी रहे हैं। ऐसा कोई चांस नहीं होता कि भी ऐसा कोई खिलाफ जाए, नहीं तो और एमसी हैं देखे हैं हमने कि भी वो बिल्कुल चुप रहते हैं। लेकिन सुशील गर्ग जी और एक हमारे राजेश जी कभी चुप नहीं रहे, वो जनता की आवाज़ उठाते रहे। और उसको जनता की आवाज़ को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने बड़ा सोच विचार करके श्री सुशील गर्ग जी को टिकट दिया है। और मैं तो पंचकुला की जनता को ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने पंचकुला को आगे बढ़ाना है, पंचकुला के साफ़ सफाई देखनी है, पंचकुला का काम देखने हैं, पंचकुला का विकास देखना है, तो श्री सुशील गर्ग जी को कामयाब बनाएं। क्योंकि सुशील गर्ग जी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हर घर में जाना इनका, जैसे इनका एमसी का जो एरिया था, वार्ड था, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी घर में ये ना गए हों। हर घर में जा के ऐसे समस्याएं पूछना, पूछ के उनका हल करवाना, और हल करवाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सत्ता नहीं चाहती थी कि सुशील गर्ग का हम कोई काम करें। उसके बाद भी ठोक बजा के उन्होंने काम करवाए। और मैं तो ये कहूँगा, अभी जो बात कर रहे थे कि भी पंचकुला के अंदर 5,000 करोड़ रुपया लगाया है, मैं तो ये पूछूंगा कि कागजों में, फाइलों में 5,000 करोड़ हो सकता है? अगर मैं गारंटी देता हूँ 500 करोड़ के जाके ना 10 आदमी की कमेटी बना दें पंचकुला में, और 500 करोड़ गिनवा दें कि पंचकुला में 500 करोड़ भी लगे हो, तो मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। समर्थकों में कितना जोश है? समर्थक सारे जोश है। अब आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, ट्रैक्टर आए हैं, मोटरसाइकिल आए हैं, कारें आई हैं, और पूरा जोश है। और मैं ये समझता हूँ कि भाई सुशील गर्ग जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे।